दोस्तों नमस्कार, मैं शिवराम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल रियल टेक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पे एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं जो यूपीआई का काम करते हैं, यानी कि भीम यूपीआई का काम करते हैं, जिसके थ्रू हम पेमेंट वगैरह भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है एक और एप्लीकेशन आया है इन सबके बीच में, जिसका नाम है भारत पे, जिस पे आप जो है पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, पेमेंट वगैरह मंगाते रहते हैं अपने अकाउंट में, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सारे पेमेंट रिसीविंग ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है 150 प्लस जो है भीम यूपीआई सपोर्ट है, कहीं से भी आप जो है पेमेंट को मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे भारत पे मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से जो है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर चले जाना और यहाँ पे सर्च करना है भारत पे। आप भारत पे जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमने इंस्टॉल कर रखा है तो हम डायरेक्टली इसे करते हैं ओपन। ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस को इस तरीके से आएगा, जहाँ पे सलमान खान आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसका ऐड जो है सलमान खान ही कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0% फीस लगती है आपको पेमेंट रिसीविंग के लिए, कोई कमीशन नहीं देना होता है। इसके बाद आगे करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि फॉर ऑल यूपीआई ऐप्स सपोर्ट करता है, यानी 150 प्लस जो है ऐप को ये एक्सेप्ट करेगा। जहाँ पे नीचे कुछ डेमो दिखाया गया है जीपे, पेटीएम, अमेजोन वगैरह, तो यहाँ पे और जो है स्क्रॉल करेंगे इधर को तो यहाँ पे दूसरा दिखाएगा। यहाँ पे जो इंस्टेंट सेटलमेंट टू बैंक अकाउंट का दिखा रहे हैं, यानी कि जो भी पेमेंट आप इसके थ्रू रिसीव करेंगे वो आपके अकाउंट में जो है तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। तो अब इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट दिखेगा, नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो चलिए हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फटाफट से दे दे रहे हैं, हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद जो है ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही एक ओटीपी हमारे पास जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया है, तो हम ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो इसे जो है आपको अलाउ कर देना है। परमिशंस को अलाउ जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइकॉन दिख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, सिटी बैंक है, यहाँ पे आपको ये आइकॉन दिख जाएंगे। अगर इनमें से आपका कोई बैंक नहीं है तो नीचे देखिए मोर बैंक का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी बैंकें दिख जाएंगी और ऊपर आपको सर्च करने के लिए भी मिल जाएगा। अगर आप ये सारी देखना ना चाहें तो आप ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं सर्च बैंक में। तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये देखिए आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यहाँ पे लिंक करने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आईएफएससी कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो SBIN लग के आ गया है। इसके आगे की डिजिट हमें यहाँ पे डाल देनी है, तो हम यहाँ पे आईएफएससी कोड ये जो अधूरा आ रहा है इसे पूरा कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपना आईएफएससी कोड डाल दिया। अब नीचे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाले दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है आईएफएससी कोड भी कंप्लीट कर दिया है, अकाउंट नंबर भी डाल दिया। इसके बाद जो है ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से अकाउंट नंबर डालने के लिए बताया जाएगा, तो चलिए हम दोबारा से डाले दे रहे हैं। दोबारा से एंटर करने के बाद फिर से ओके करेंगे और यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग खत्म होगी आपके सामने जो है आपकी बैंक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखा दिया जाएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है और ये आपका अकाउंट नंबर वगैरह, ये सब कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएंगे। और इसके नीचे देखिए सबसे पहले मांग रहा है एंटर बिजनेस नेम, तो आपकी शॉप वगैरह जिस नाम से है वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे डाले दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस नेम में जो है हम दुकान का नाम डाले दे रहे हैं, जो भी दुकान का नाम है तो हम यहाँ पे डाले दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है कृष्णा एंटरप्राइज डाल दिया। नीचे सिलेक्ट कैटेगरी आ रही है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सी कैटेगरी का जो है बिजनेस है, यानी दुकान या शॉप जो भी है, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सी कैटेगरी का है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल स्टोर आ रहा है, तो हम मोबाइल स्टोर पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी बिजनेस हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो है नीचे टर्म कंडीशन पे चेक बॉक्स है, इसे एक बार देख लेना, चेक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है नीचे कन्फर्म है, तो कन्फर्म पर क्लिक हम कर लेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और प्रोसेसिंग चलने के बाद देखिए आपका यहाँ पर जो है अकाउंट कम्प्लीट हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट जो था वो लिंक हो गया है। अगर आप यहाँ पर QR कोड फिजिकली मंगाना चाह रहे हैं, जैसे कि इस फोटो में सलमान खान पकड़े हुए हैं, इस तरीके का अगर आप मंगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको मोबाइल नंबर वगैरह दो तीन चीज़ें पूछ रहा है, तो ये डाल के और नीचे कन्फर्म आ रहा है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो 48 घंटे के अंदर आपके यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे अभी नहीं मंगाऊंगा, बाद में भी आप मंगा सकते हैं, तो मैं इसे ऊपर से क्रॉस कर दे रहा हूँ।
क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है अब आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना डैशबोर्ड जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपना नाम दिखाई दे जाएगा, उसके नीचे अकाउंट नंबर दिखेगा और आगे दिखेगा SMS पेमेंट लिंक। तो आप जो है इस एप्लीकेशन में आप कैसे वर्क करेंगे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए SMS पेमेंट लिंक की बात करते हैं सबसे पहले। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किसी को भी जो है आप फ़ोन नंबर पर मैसेज भेज के जो है लिंक भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ़ोन बुक जो है ओपन होके आ जाएगी, जो भी आपकी फ़ोन बुक है उस कस्टमर का यहाँ पे नाम डालिए और नाम डालने के बाद जो है आप उसे भेज सकते हैं। सर्च करना चाहें तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने शिवराम सिंह सर्च कर लिया यहाँ पे, और ट्रांजेक्शन अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए जितना आपको मंगाना है। रिमार्क में कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, इस पर ओके कर दीजिए और यहाँ पर फिर से ओके कर दीजिए तो ये मैसेज जो है उसके पास जो है चला जाएगा और वो बंदा चाहे तो उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा और आपको जो है पेमेंट भेज सकता है। तो ये तो हो गई SMS की बात, हम बैक चलते हैं। तो ये SMS पेमेंट लिंक वाला फीचर्स आपने देख लिया और समझ भी लिया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 लाइन की। ऊपर देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइन दिखेगी, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका अभी जो QR कोड की मैंने बात की थी, तो आपका ये QR कोड अभी नहीं इशू हुआ है। और अगर QR कोड आप अपना लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर देखिए प्रिंटेड QR कोड यस और नो पूछ रहा है कि आपके पास है या नहीं। तो हमारे पास नहीं है, हम नो पे करेंगे। तो फिर से हम वहीं पे आ जाएंगे जहां से अभी हम बैक आए थे, यहां पे अपनी डिटेल भर के कन्फर्म कर लीजिए तो आपका 48 घंटे में आपके पास आ जाएगा। चलिए हम ये फटाफट से एंटर कर दे रहे हैं। तो ये सारी डिटेल फिल कर ली हमने और इसके बाद जो है नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म पर हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर फॉर QR कोड प्लेसेस सक्सेसफुली, ये दिखा दिया है और ये आपको 48 घंटे के अंदर आपके घर पे मिल जाएगा। आप यहाँ अगर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड हमारा जनरेट हो गया है। ये हम जो है किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं और इसके थ्रू जो हम पेमेंट को ले सकते हैं। किसी भी तरीके का UPI वो यूज कर रहा हो, चाहे SBI का कर रहा हो, चाहे फ़ोनपे का कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। ये QR जो हम शेयर करेंगे, इस पर देखिए शेयर का एक लिंक आ रहा है, शेयर पर क्लिक करेंगे तो हम अपने WhatsApp वगैरह कहीं भी इस तरीके से ये कार्ड जाएगा, कहीं भी जो है शेयर कर सकते हैं और वो जो है इस लिंक को क्लिक करेगा और पेमेंट आपको कर देगा। तो आप यहाँ पे तुरंत ही पेमेंट को रिसीव कर पाएंगे। तो ये तो हो गया भारत पे में अकाउंट कैसे बनाना है और अपना बैंक अकाउंट जो है कैसे लिंक करना है। बाकी इसमें और भी सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए सारे फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको जो है लोन भी मिल जाता है, कैशबैक भी मिलता है, रेफरल इनकम भी मिलती है, बहुत सारे फीचर्स हैं समझाने के लिए आपको। तो इससे अगले वाले वीडियो हम आपको ये सारे फीचर जो है समझाने वाले हैं, तो इससे अगला वीडियो देखना ना भूलिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि भारत पे एप्लीकेशन के अंदर कैसे हमको रजिस्टर करना है और अपना बैंक अकाउंट जो है कैसे लिंक करना है, और यहाँ पे QR कोड भी हमने आपको जनरेट करके दिखा दिया है। तो ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया और इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके और फीचरों के बारे में, जिसमें आपको जो है बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो की जानकारी अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक से जरूर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और साथ में एक बेल आइकॉन आएगा उसे भी दबा के जाना, क्योंकि उससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जिससे आप वो वीडियो तुरंत देख पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।